दोस्तों आज एक JEE मेन एग्ज़ाम 2021 स्टूडेंट के लिए NTA की तरफ से आपको एक अपडेट है। NTA ने JEE मेन की स्टूडेंट के लिए करेक्शन विंडो खोल दिए। सो देर इज़ अ वन सर्कुलर ऑन डेट 9/4/2020 करेक्शन इन द चॉइस ऑफ द सेंटर सिटीज इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर JEE मेन 2020। आपको पता है सर, जो कोरोना महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में NTA ने JEE मेन देने वाले उम्मीदवारों के लिए आवेदन में करेक्शन विंडो खोल दिए। करेक्शन विंडो खोलने का मेन एम ऐसा है कि जो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने लोकेशन सेंटर ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके थे, तो उनको अभी एक वन टाइम एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है सेंटर चेंज करने के लिए। सो इन कंटिन्यूशन ऑफ पब्लिक नोटिस डेटेड 1 अप्रैल 2020 इश्यूड बाय द NTA रिगार्डिंग द करेक्शन फैसिलिटी इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर JEE, इट इज फर्दर नोटिफाइड दैट फेस्ड बाय एस्पायरेंट ऑफ JEE मेन 2020 ड्यू टू COVID-19 एपिडेमिक्स, द NTA हैज़ फर्दर एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ मेकिंग करेक्शन इन द एप्लीकेशन विंडो नाउ ऑल्सो इंक्लूड द चॉइस ऑफ सिटीज फॉर द सेंटर। तो एक NTA की तरफ से अपडेट है और अभी और ये जो सेंटर्स आप चेंज कर सकते हैं NTA की वेबसाइट पे लॉग इन करके, तो ये आप 14 अप्रैल तक कर सकते हो। मतलब दिस इज द इम्पोर्टेंट, 14 अप्रैल तक आपको अपॉर्चुनिटी है। तो यू हैव टू विजिट फॉर द JEE main.NTA.NIC एंड दिस अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल अप टू द 14 अप्रैल 2020। कैंडिडेट ने उन्हें ऐसे या वहाँ पे नोट डाउन है कि कैंडिडेट हैज़ टू विजिट द वेबसाइट एंड वेरीफाई द पर्टिकुलर एंड मेक नेसेसरी करेक्शन वेन एवर देर इज रिक्वायर्ड। तो एक NTA की तरफ से आपके लिए एक अपडेट है। और एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको बता दूंगा कि ये जो करेक्शन इन द पर्टिकुलर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी एक्सेप्टेड अप टू द 5 PM एंड सबमिशन फी अप टू द 11:50 PM। मतलब आपको अगर एक करेक्शन वहाँ पे करने का है, एक सेंटर अल्टर करने के लिए, तो आपको कुछ तो पेमेंट है, पेमेंट आपको ऑनलाइन उसमें आ जाएगा। मतलब जब आप लॉग इन करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली पेमेंट आ जाएगा। तो ये पेमेंट आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, UPI और पेटीएम से आप कर सकते हो। तो ये अपडेट है आपके लिए। आपको आपको पता है कि जो JEE मेन एग्ज़ाम है वो मई के लिए एक्सटेंड किया है, मई तक एक्सटेंड किया है JEE मेन एग्ज़ाम। इससे पहले 5th, 7th, 9th एंड 11th अप्रैल को JEE मेन की एग्ज़ाम थी, लेकिन ड्यू टू दिस कोरोना द एग्ज़ाम हैज़ बीन पोस्टपोन्डेड टिल द मे एंड। अभी तक उसकी डेट डिस्प्ले नहीं है, लेकिन जल्दी ही आपको 14 अप्रैल या उसके आसपास आपको डेट डिस्प्ले हो जाएगी एग्ज़ाम की। आपको पता है कि जो NITs और IIT कॉलेजेस है वहाँ पे एडमिशन मिलने के लिए हमें JEE मेन एग्ज़ाम देनी पड़ती है, और उसके बाद जो JEE एडवांस रहेगी। तो JEE मेन एग्ज़ाम्स साल में 2 बार कंडक्ट होती है। तो जनवरी जनवरी में एक फर्स्ट फेज उसकी ऑलरेडी कंडक्ट हो चुकी है, और अभी जो नेक्स्ट फेज था अप्रैल में, लेकिन ड्यू टू दिस कोरोना लॉकडाउन हैज़ बीन अनाउंस बाय द गवर्नमेंट, सो दैट दिस एग्ज़ाम हैज़ बीन पोस्टपॉन्ड टिल द मे एंड। और इसमें दोनों को एग्ज़ाम का जो अच्छा स्कोर आएगा वो अपने एडमिशन के लिए वहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट है NTA की तरफ से। तो इन शॉर्ट, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, एवरी JEE मेन एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू चॉइस देयर सेंटर्स बाय पेइंग नेसेसरी फी। आपको फीस पे करने के आपके लॉगिन में जाके, और आप ये फीस क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI और पेटीएम से कर सकते हो। और ये जो करेक्शन फैसिलिटी है आपको
14 अप्रैल 5 बजे तक करने की है, और जो फी आपको पे करने का है इट इज़ 11:50 PM तक करने का है। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट अपडेट फ्रॉम द NTA हैज़ अनाउंस, एंड ये आपके लिए इस बार हमने ये वीडियो बनाया है रिगार्डिंग दिस पब्लिक नोटिस अपडेशन बाय द NTA। तो आगे की जानकारी के लिए आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट वी विल गिव यू द अपडेट एवरी ईच एंड एवरी अपडेट फॉर JEE मेन एंड द नीट एग्जाम। तो दोस्तों आप घबराइए मत, कन्फ्यूजन में मत लीजिए, अपनी पढ़ाई पढ़ाई कंटिन्यूसली आप स्टार्ट कीजिए, पढ़ाई में आपका आपकी रुकावट नहीं होनी चाहिए। और एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, थोड़ी रुकावट आ चुकी है लेकिन पढ़ाई में रुकावट आने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। तो यू कॉन्सनट्रेट ऑन योर स्टडीज़, और ये जो कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो आप ये अपॉर्चुनिटी यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन चेंज योर और यू कैन अल्टर योर सेंटर बाय पेइंग द नेसेसरी फी। So if you have not subscribed this channel, you can subscribe this channel and share with your friends. Thank you.